स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। केजरीवाल को एक और झटका। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। दोस्तों क्या है मामला और केजरीवाल शराब नीति केस में कितने फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। केजरीवाल उसके बाद सरेंडर करेंगे और क्या उनका एक तरीके से अमित जो कि उनका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह उन्हें भी जेल में रखा जाएगा लंबे समय तक। क्या है प्लानिंग बीजेपी गवर्नमेंट की। और कुछ स्वतंत्र पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट कंटिन्यू हुई तो अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहेंगे। तो उस तमाम जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मोदी जी अपना सरकार रिपीट करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका होगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम हो सकती है, क्योंकि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है। ईडी सीबीआई ये केंद्र सरकार के अंदर आती है और ये कहा जा सकता है और ये सत्य भी है कि ये दोनों एजेंसियां सरकार के इशारे पर ही काम करती है। कितनी भी स्वतंत्र हो पर सरकार के इशारे पर ही काम करती है। और ये एक राजनीति से प्रेरित ये पूरा केस भी है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता फंसे हुए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अभी राघव चड्ढा, ये सब भी उसके लपेटे में आने वाले हैं। राघव चड्ढा भी इसमें फंसने वाले हैं। राघव चड्ढा अभी विदेश से लौटे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की एक तरीके से तैयारी की जा रही है, उन पर भी तलवार लटका हुआ है। मामला क्या है? मामला है दिल्ली शराब नीति केस में, जिसमें मनीष सिसोदिया ने वो कानून बनाया था और उसके बाद एक तरीके से ईडी का आरोप है कि उसमें शराब कारोबारियों को बेजा फायदा पहुँचाया गया। अब मामला यह है कि ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। राव एवेन्यू कोर्ट में 2 जून को सुनवाई करेगी। इस दिन दिल्ली सीएम को सरेंडर करना है। 1 तारीख को चुनाव प्रचार लोकसभा 2024 का खत्म हो रहा है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म हो जाएगी। केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने राव एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि 14 दिन का समय मांगा है, कोर्ट 2 जून को इस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल दिल्ली के सीएम 1 जून तक जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसी केस में बीआरएस नेता के कविता की भी कस्टडी 3 जून तक बढ़ा दी गई है। के कविता भी इसी केस में, वो साउथ की एक जानी मानी नेता है और वो भी इसी केस में जेल में है। ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। यहाँ अब मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने पहले कुछ लोगों को, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम लोगों को पार्टी बनाया था। अब आम आदमी पार्टी को ही उन्होंने इसमें पार्टी बनाया है। इससे आम आदमी पार्टी की और भी तमाम नेताओं इसके चपेट में आने हैं। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल के पीए को भी मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो उनकी आम आदमी पार्टी के पूरी तरीके से एक तरीके से कानूनी शिकंजे में फंसती नजर आ रही है। 17 मई को केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कहा है केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जस्टिस संजीव खन्ना, मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले का कोई बयान चाहते हैं, हम फाइल को भी देखेंगे। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका बार बार खारिज की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी को वैध ठहराया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि वो अंतरिम जमानत पर है। तो इस पर एक तरीके से कोर्ट पर कटाक्ष भी किया था अमित शाह ने कि उन्हें स्पेशल एक तरीके से जमानत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई स्पेशल जमानत नहीं मिली है, उनको 1 तारीख तक ही ये छूट मिला है चुनाव प्रचार का, उसके बाद वो सरेंडर करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जब सरेंडर करेंगे तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अगर मोदी सरकार 4 तारीख को वापस दोबारा से सत्ता में आती है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार और मिलीजुली सरकार आती है, या फिर पीएम मोदी नहीं होते हैं, एनडीए की ही सरकार बनती है और पीएम कोई और होते हैं, तो फिर मामला कुछ और होगा आगे। कई बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की तरफ से अगर सीट बीजेपी को 200 या 220 के करीब करीब आती है तो पीएम मोदी नहीं होंगे, फिर दूसरा ऑप्शन तलाशा जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन है नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ बनते हैं
तो केजरीवाल की मुश्किलें कुछ कम तो होगी, पर अगर नितिन गडकरी बनते हैं तो एक लिबरल फेस हैं और वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल को की मुश्किलें फिर भी कम हो सकती है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सरकार में शामिल होंगे, तो फिर ईडी और सीबीआई सब उनके हाथ में, उन लोगों के हाथ में होगी, तो फिर ये कार्रवाई एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है और मोदी सरकार में आते हैं, मोदी सत्ता में आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्रश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के वीडियो के लिए, और न्यूज़ ऑफ द डे टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक। इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए जुड़िए हमसे। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।